दोस्तों जो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ डॉली जूम का, तो सबसे पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट हमारा जहाँ भी हो सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। हाथ को इस तरह से पीछे करेंगे और जूम को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट करी और ध्यान से देखिएगा, हाथ को हम पीछे लाएंगे, जूम को बढ़ाते जाएंगे, परफेक्ट। चलिए एक बार और करके मैं आपको दिखाता हूँ, सब्जेक्ट को हम देख लेंगे रिकॉर्डिंग, हाथ को पीछे लाएंगे, जूम को बढ़ाते जाएंगे, दैट्स नाइस, वेरी परफेक्ट शॉट है दोस्तों। अब सेम प्रोसेस मैं चलिए आपको मोबाइल से करके दिखाता हूँ कि मोबाइल में क्या होगा, ठीक है, सेम वही चीज़ है, उसके बाद फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा। चलिए स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों सेम प्रोसेस मैं आपको मोबाइल में करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि मोबाइल में कैसे डॉली जूम करेंगे। पूरी कोशिश करिएगा कि आपका हाथ स्टेबल हो, उसके लिए या तो फिर आपके पास ऐसा मोबाइल हो जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन हो, वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, रिकॉर्ड स्टार्ट करने के बाद सब्जेक्ट को जूम करना है इस तरीके से और हाथ को पीछे लाना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये देखिए हमने हाथ सब्जेक्ट को जूम किया और हाथ को इस तरह से पीछे लाएंगे, ठीक है, एक शॉट। चलिए एक बार फिर करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और जूम पे बटन पे हाथ रख लेते हैं, इस तरह से हमको जूम को करना है, हाथ को पीछे लाना है। तो ये जूम हमने स्टार्ट करी, हाथ को पीछे लाए, परफेक्ट। तो ये दोस्तों सिंपल स्टेबल तरीका था डॉली जूम का। और दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसके लिए क्या करना है। तो जो दूसरा स्टेप है वो भी बहुत सिंपल है, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट के पास से अपने हाथ को इस तरह से पीछे लाएंगे। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे और हाथ को इस तरह से पीछे ले आएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या करना है, चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद के प्रोसेस में आपको करना क्या है, एक ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, एक ऐप को डाउनलोड कीजिए, काइंड मास्टर, ठीक है। चलिए मैंने डाउनलोड कर लिया है और काइंड मास्टर को जाके ओपन कीजिए। काइंड मास्टर को ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, एक इनपुटी फाइल को क्रिएट करेंगे और जिस वीडियो को आपने शूट किया है जूम के साथ, ठीक है, उस वीडियो को लेंगे और उसके एंड वाले पोर्शन को यहाँ पे क्लिक करके क्रॉपिंग सेक्शन में जाके इसको यहाँ से जूम कर देंगे, यहाँ आप देख पा रहे हो, तो फिर यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको प्ले करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए आपको डॉली इफेक्ट मिलेगा, मैं आपको दिख रहा हूँ, बहुत सिंपल स्टेप था, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे और आप इस तरह से पीछे ले। ये जूम इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा दीजिए।